एवरीवन, वेलकम टू माय मिल जोन। आज मैं आपके साथ चना दाल पराठा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं चना दाल पराठा। चना दाल पराठा बनाने के लिए मैंने एक छोटी कटोरी दाल की ली है, जिसे मैं ओवरनाइट सोक करने के लिए रख दूंगी। सारी रात मैंने ये दाल पानी में भिगो कर रखी है। अब इसे 4-5 बार धो लूंगी, उसके बाद मैं इसको कुकर में ट्रांसफर करूंगी। अब इसमें एक गिलास पानी का डाल दीजिए और लिड लगा दें और इसे हाई फ्लेम पर ही चाहे रख दें एक सीटी बजने तक। कुकर को ठंडा होने दें और अब इसे छन्नी में डाल दें। सारा पानी इसमें से स्ट्रेन कर दें और इसका सारा पानी जो है हाथों से निचोड़ कर अलग कर लें। मैंने इसमें एक छोटा अनियन बारीक बारीक बिल्कुल बारीक काट कर डाला है। ग्रेटेड अदरक भी डाल दी इसमें। दो तीन कटी हुई हरी मिर्ची डाली। हरी धनिया पत्ती डाली। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। हाफ टेबल स्पून लाल मिर्ची डालें। थोड़ा सा अनारदाना डालें। थोड़ा सा आमचूर पाउडर। अब सारे मटेरियल को अच्छे से मिक्स कर लें। रोटी बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंदना स्टार्ट करेंगे। आटा लगा लिया है। आटे के छोटे छोटे गोले बनाएं। और एक छोटी सी पूरी बेल लें आप। एक और पूरी बेल लें। इस पूरी में 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग डालें। और दूसरी पूरी से उसको बंद कर दें ऊपर से। अब हल्के हाथों से इसको बेल लें।
और परांठे को तवे पर अच्छे से सेक लें। जब तक हमारा परांठा सिक जाता है तब तक हम एक और परांठे में फिलिंग भरकर तैयार कर लेते हैं। पराठे को घी से या तेल से तल लें। अब हमारा चटपटा पराठा बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाएगी। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।